हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि फॉर्म जैसे उन्होंने सबमिट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं। जिनको फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकला है वो क्या करें, आइए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप ये पेज देख पा रहे हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, फिर वहाँ से पेज आया जो तो डाउनलोड नहीं कर पाए, जो कॉलेज में पेपर जमा करना है वो वाला फाइनल पेज कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसी पेज से आपने फॉर्म भरा होगा, यहाँ पे लिखा है रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, ये देख रहे हैं रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको आगे यहाँ क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करते हैं आपको ये इंटरफेस खुल के आता है। मैं यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालता हूँ, मेरा फॉर्म नंबर क्या है, मैं अपना यहाँ पे फॉर्म नंबर डालता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर डाला, नीचे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, ठीक है भाई, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। लाइव देखिए, आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ओके, आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या जिस दिन मैंने फॉर्म भरा उसी दिन निकालना है, नहीं, आप चाहे तो एक हफ्ते बाद निकालिए, आप चाहे तो 10 दिन बाद निकालिए। अगर आपने फाइनली सबमिट कर दिया है और फीस पेमेंट कर दिया है तो आपको यहाँ से निकलना होगा। तो देख रहे हैं, मैंने अपने फॉर्म नंबर डाल दिया और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म और कैंपस एग्जाम फीस। तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही रखिए, क्योंकि ये जो कैंपस है ना, ये जो कैंपस है ये बस वो बच्चे जो कैंपस के अंदर पढ़ाई करते हैं उनके लिए है, ओके। तो हमने यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म ही है, एग्जामिनेशन फॉर्म पर रख दिया, फिर यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए, सबमिट करने के बाद ये आपका पेपर आ गया, यही तो फाइनल पेपर है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ देखिए ऊपर है क्लिक टू प्रिंट पे चाहिए, क्लिक टू प्रिंट पर करेंगे। तो जैसे ही क्लिक हियर टू प्रिंट करेंगे, अरे हो जा भाई, हाँ जी हाँ, जैसे ही क्लिक हियर टू प्रिंट पर करेंगे आपको ये पेज आ जाएगा। फिर आप यहाँ से PDF में डाउनलोड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ से PDF में डाउनलोड कर लीजिए और निकाल लीजिए, कोई मसला है नहीं, मसला है कोई बात नहीं। आप जेन टॉक के चैनल से जुड़ जाइए, कोई भी समस्या हो वहाँ हमसे पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। देखा, मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया, ठीक है, लाइव कैसे किया मैंने, अगर आप कहिए तो फिर से मैं कर दूँ। ये देखिए यही पेज है ना, कहिए तो मैं फिर से आपको पेज कर दूँ। ये कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म या कैंपस एग्जाम फी, यहाँ पे आपको जाना है। कहिए तो मैं फिर से कर दूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ आप अपना फॉर्म नंबर डालिए। अच्छा, इन केस में आपको फॉर्म नंबर नहीं पता तो क्या करेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है। मैंने मान लीजिए आपको फॉर्म नंबर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको लाइव में करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई फेक वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ऐसे फेक रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, यार मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, आप कैसे कर ओके ओके नो इशू। तो मैं अगर जैसे मैंने क्या कहा आपको फॉर्म नंबर नहीं पता, तो फॉर्म नंबर नहीं पता तो ये देखिए नीचे यहाँ लिखा है फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म, ओके, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आप अपना UIN डालिए, या फिर अगर सेकेंड ईयर में है तो अपना प्रीवियस रोल नंबर डालिए, ठीक है, वैसे निकाल सकते हैं। अब मेरा UIN नंबर क्या है मुझे याद नहीं है, एक मिनट देखना पड़ेगा, ओके देख लूँ यार, कुछ और मत देख लो, एक मिनट ये क्या है यार, देख लेता हूँ एक मिनट, हाँ चलो मिल गया, UIN मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आप अपना UIN डाल दीजिए, यहाँ पे अपना UIN डाल दीजिए, UIN मेरा क्या है मुझे मिल गया है, और यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है मुझे बताएं, तो हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और फिर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे, अगर आपने पेमेंट कर दिया है फॉर्म भर दिया ना, देखिए आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर मिल गया, ठीक है भाई। यही फॉर्म नंबर को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लाइए मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, बस सिंपल कॉपी कर लिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ले जाके वहाँ पर सबमिट कर देना है। कहाँ पर, ये रहा आपका, अगर रीप्रिंट की बात करूँ मैं, जैसे अगर आपको रीप्रिंट करना है एग्जामिनेशन फॉर्म, आपने पेमेंट कर दिया है सब कुछ कर दिया लेकिन डाउनलोड नहीं हो पाया, तो यहाँ से रीप्रिंट पे जाके इसलिए यहाँ पे रीप्रिंट पे जाइए और यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर भर दीजिए जो आप वहाँ से कॉपी किए हैं। मैंने अभी आपको फॉर्म नंबर फाइंड आउट करके बताया, यहाँ से फॉर्म नंबर एडिट इसलिए निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो जेन टॉक का चैनल है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और मेरी एक खास रिक्वेस्ट है भाई, यार मेरे से क्या दुश्मनी है, मैं कहाँ किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता हूँ, डिसलाइक मार के चले जा रहे हैं कुछ बच्चे, मे बी दूसरे चैनल वाले हैं, बट इट्स फाइन है, मैं बस यहाँ आप लोग की हेल्प करने के लिए आया हूँ, सो मुझे अच्छा लगता है। मैं बस ऐसे अभी देखिए सोने जा रहा था, मैंने कहा बना देते हैं वीडियो आपके लिए। तो भाई ये वीडियो किसके लिए था, जो फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए उनके लिए, ओके। तो और भी जैसे समस्या हो, पेमेंट फेल हो गया क्या करें, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना उसका मैंने वीडियो पे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में कोई बात हो पूछ सकते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।